मोगा पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अदालत ने अज 10 दिन का रिमांड दिता है। लॉरेंस के शार्प शूटर मोनू डागर वालों डिप्टी मेयर के भतीजे से पिछले साल हमला किया गया। इस संबंध में 209/21 मुकदमा दर्ज किया गया। इस चलदे अज लॉरेंस बिश्नोई को मोगा के वड्डी सुरक्षा के अधीन अदालत च पेश किया गया जिथों पुलिस ने रिमांड हासिल होया है। सर अज मोगा पुलिस वालों लॉरेंस बिश्नोई को इतने पेश किया गया अदालत के की रिमांड मिले है कि ये अपना 2021 दिसंबर महीने का एक केस है जो मोनू डागर फड़िया गया था मौके पर उसके आगे पूछगिछ में इन्हें नॉमीनेट किया गया था लॉरेंस बिश्नोई को आज पेश करा करके अदालत ने 10 दिन का रिमांड लिया है। अगर पूछगिछ करते हैं फिर आप डिटेल भी साथ में इन मोगा पुलिस वालों इतने रखा जाएगा या बाहर कितने लेके जाया जाएगा? यह मैं थोड़े नाल शेयर नहीं कर सकता सिक्योरिटी रीजनस करके आपको सिक्योर रखना है और पूछगिछ करनी है मोनू डागर मौके तो फड़िया जो दूजा दोषी है अजे भी और पूछगिछ के दौरान जो है लॉरेंस बिश्नोई मोगा तो बिट्टू पूर्वा की रिपोर्ट पंजाब टुडे।